आपको पता होगा नाइकी शूज के क्लोन आते हैं मार्केट में, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी और भी पता नहीं कौन कौन सी कॉपी। सिर्फ शूज ही नहीं, नाइकी की तो डुप्लीकेट कैप्स, हुडीज, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स और भी पता नहीं क्या क्या आते हैं। इनमें से कई प्रोडक्ट्स तो नाइकी एक्चुअल में बनाता ही नहीं है, और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है वो लोगो। वो लोगो नाइकी का जिसे हम सब ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। वो टिक मार्क वाला लोगो जो किसी भी प्लेन प्रोडक्ट पे लगते ही हमारी नजरों में उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देता है, क्वालिटी एश्योरेंस को बढ़ा देता है, प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देता है, और तो और हमारे दिल की धड़कने। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। नाइकी की टॉप नॉच ब्रांडिंग, नाइकी की टॉप क्लास मार्केटिंग, क्यों आज दुनिया नाइकी के पीछे पागल हो रखी है, यही जानेंगे आज। आपको पता है ये सब हो रहा क्या है? ये सभी ब्रांड्स आपकी कंज्यूमर साइकोलॉजी के साथ बड़ी ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। सिर्फ नाइकी ही नहीं, नाइकी के साथ साथ पुमा और एडिडास जैसे ब्रांड्स भी, बीएमडब्ल्यू के साथ साथ ऑडी और मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स भी, और एप्पल जैसे ब्रांड्स भी। अब जब एप्पल की बात आई गई है तो ये भी जानते हैं कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि खुद एक ब्रांडिंग एक्सपर्ट है, उनका नाइकी के बारे में क्या कहना है। उनके वर्ड्स को थोड़ा इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने एक बार अपनी एक स्पीच में कहा था, जब हम ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं तो नाइकी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल है। नाइकी आखिर बेच तो जूते ही रही है ना, पर जब आप नाइकी के बारे में सोचते हो देन यू फील समथिंग डिफरेंट देन एन ऑर्डिनरी शू ब्रांड। क्योंकि देखो वो लोग अपने एडवर्टाइजमेंट्स में, अपनी मार्केटिंग में कभी प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करते कि देखो दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में हमारे जूते का सोल ज्यादा अच्छा है, हमारे जूते का मटेरियल ज्यादा अच्छा है। ओके, अब ध्यान से सुनना, नाइकी अपने जूतों से ज्यादा उन जूतों को पहनने वालों पर फोकस करती है। नाइकी फोकस करती है अपने कस्टमर्स के स्पोर्ट्स स्पिरिट पे, अपने कस्टमर्स के ड्रीम्स पे, अपने कस्टमर्स के सॉफ्ट कॉर्नर्स पे। ओके, अब स्टीव जॉब्स चले गए, मैं वापस आ गया हूँ। आप बताओ एक जूते बेचने वाली कंपनी अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करेगी? करेगी अपनी ब्रांड इमेज से। क्योंकि अगर हम बिना लोगों के रिबॉक या फिर पुमा के जूते भी देखेंगे और पहनकर फील करेंगे तो वो भी हमें नाइकी जैसे ही लगेंगे, और नाइकी के जूते बाकी सभी ब्रांड जैसे लगेंगे। तो डिफरेंशिएटर यही है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर आप कैसा फील करते हो। मार्केटिंग का मतलब होता है कि लोग बस आपके ब्रांड को याद रखे, बस। और याद कैसे रखे? एक पॉजिटिव इमेज के साथ और चेहरे पे स्माइल के साथ, बस। इससे ज्यादा मार्केटिंग का कोई गोल नहीं होता। दुनिया भर के जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, जब हम उनकी एडवर्टाइजमेंट्स को नोटिस करेंगे तो हमें दिखेगा कि द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स में प्रोडक्ट तो है ही नहीं। वो ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट की प्लेसमेंट से ज्यादा उसकी डिसप्लेसमेंट, मतलब उसकी एब्सेंस पे फोकस करते हैं। साउंड्स अ लिटिल स्ट्रेंज, राइट? सेम उसी तरह जिस तरीके से इस वीडियो में मैंने नाइकी की स्पेसिफिक ब्रांडिंग के बारे में तो बात करी ही है, पर उससे ज्यादा मैंने ब्रांडिंग इन जनरल की बात करी है। नाइकी ब्रांड बहुत ही अच्छी गोरिल्ला मार्केटिंग भी करता है। गोरिल्ला मार्केटिंग, जिन्हें नहीं पता, गोरिल्ला मार्केटिंग में ब्रांड्स ऑडियंस का अट्रैक्शन गेन करने के लिए अनकन्वेंशनल, अनएक्सपेक्टेड और यूनिक मेथड्स का यूज करते हैं। गोरिल्ला मार्केटिंग वन ऑफ द चीपेस्ट एंड इफिशियंट वे है मार्केटिंग का। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। नाइकी के जितने भी गोरिल्ला मार्केटिंग कैंपेन्स को आप देखोगे, उनका भी एक ही मकसद आपको दिखेगा कि लोगों को मोटिवेट करना और एक अच्छा मैसेज देना। नाइकी के कुछ यूनिक कैंपेन्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी जो फोटो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एक पार्क है जहाँ एक बेंच पड़ी है और उस बेंच पे बैठने की जगह मिसिंग है और लिखा हुआ है रन। दैट मींस द मैसेज इज डोंट सिट, डू जॉगिंग एंड फोकस ऑन योर हेल्थ। अब देखो ये कैंपेन है जहाँ एस्केलेटर्स की एंट्री पे येलो स्ट्रिप लगी हुई है जिसपे नाइकी के लोगोज है। इस कैंपेन का भी सीधा सीधा मोटिव लोगों को ग्रोथ की तरफ और हेल्थ की तरफ ले जाना है। डोंट यूज एस्केलेटर्स, सीढ़ियाँ यूज करो। नाइकी अपने हर मार्केटिंग कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स के भले के बारे में सोचता है, और इसी के कारण नाइकी की तरफ लोग एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। गोरिल्ला मार्केटिंग की जैसे ही नाइकी कॉन्ट्रोवर्शियल मार्केटिंग भी करता है, जहाँ नाइकी किसी करंट कॉन्ट्रोवर्सी का सहारा लेकर खुद को वायरल करता है। यूएसए में कई सालों से यूएस पुलिस के ब्लैक सेक्शन के लोगों के साथ की जाने वाली बदसलूकी और ब्रुटैलिटी के केसेस आ रहे थे। यूएसए में कई प्रोटेस्ट भी हो रहे थे अगेंस्ट ब्लैक लाइव्स डिस्क्रिमिनेशन। उस समय कॉलिन केपर्निक नाम के एक एनएफएल फुटबॉल प्लेयर ने गेम से पहले नेशनल एंथम के टाइम अपने घुटनों पे बैठ के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अपना विरोध दिखाया। हालांकि कई लोग उनके फेवर में भी बोल रहे थे, मगर फिर भी उन्हें एनएफएल फुटबॉल में हर जगह से बायकॉट कर दिया। इसी कंट्रोवर्सी का फायदा उठा के नाइकी कॉलिन केपर्निक के साथ उसी टाइम मिलकर एक हिस्टोरिक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करती है, जो कि आगे चलकर नाइकी की वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस में से एक बन गया था। इस एड का नाम था ड्रीम क्रेजी। इस एड की एक क्लिप देखो, आप समझ जाओगे कि क्यों इस एड को बेस्ट एड ऑफ द एरा के अवार्ड्स मिले हैं। डोंट ट्राई टू बी द फास्टेस्ट इन योर स्कूल,
Be the fastest ever. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. नाइकी जब अपने जूते बेचती है ना, तो वो जूते नहीं बेचती, नाइकी बेचती है इमोशंस और फीलिंग्स, मतलब इमोशनल कनेक्ट, जो कि जाकर आपकी फीलिंग्स को स्ट्राइक करता है। फाइंड योर ग्रेटनेस, जस्ट डू इट, ऐसी टैगलाइंस क्यों है नाइकी की? क्योंकि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं लाइफ में ग्रेटनेस और ग्रोथ को अचीव करने के लिए। आपका जो फ्रेंड आपके बारे में अच्छा बोलता है, आप उसे लाइक करते हो ना, तो बस नाइकी भी आपकी लाइफ में उसी फ्रेंड की तरह बनना चाहता है। इसी कारण से नाइकी को लेकर लोग इतने ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि आखिर बेस तो जूते चप्पल ही रहे ना। दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो आप नाइकी की मार्केटिंग से सीख सकते हो, उनमें से पहली है कस्टमर्स आर ह्यूमंस। कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट में इतने ज्यादा घुस जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमारे टारगेट जो कि कस्टमर्स है, वो इमोशंस पे चलने वाले इंसान है। कोई डाटा फीड कर देने वाले रोबोट्स नहीं है, जो कि आपके प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फीचर्स, हाउ यू मैन्युफैक्चर्ड एक्सेट्रा को अपनी हार्ड डिस्क में बस कॉपी पेस्ट कर लेंगे। होता क्या है, कई बार हम एड्स को इतने ज्यादा खचाखच भर देते हैं कि कस्टमर्स उसे समझने तक की भी तकलीफ नहीं करता। ह्यूमंस को कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं है। यू शुड कीप द एडवर्टाइजमेंट और एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग यू आर डूइंग एज सिंपल, एज शॉर्ट एंड एज स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन, ताकि पोटेंशियल कस्टमर्स को सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन ही दिखे। सेकेंड थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम नाइकी सुपर्ब मार्केटिंग इज यूटिलाइज फ्री पब्लिसिटी। एडवर्टाइजमेंट्स की रेस में कई बार हम ये चीज भूल जाते हैं कि फ्री पब्लिसिटी नाम की भी कोई चिड़िया होती है। देखो, अधिकतर कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत बहुत सारा पैसा खर्च करके जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाती है, कुछ गिनी चुनी कंपनीज जैसे कि टेस्ला बिना कुछ खर्च करे जीरो स्पेंड पर उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा पब्लिसिटी हासिल कर लेती है। जैसा कि आपने देखा होगा, कई ब्रांड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं, क्योंकि उन इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत ब्रांड को होती है कस्टमर्स तक रीच हासिल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ, जैसे कि टेस्ला का एग्जांपल लिया था हमने, उल्टा इस केस में इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेंड के साथ ग्रो करने के लिए ब्रांड की जरूरत पड़ती है, और उन ब्रांड्स के बारे में इन्फ्लुएंसर्स पैसे नहीं मिलते हुए भी बात करते हैं। सी हाउ पावरफुल इट इज, एंड ऑलवेज रिमेम्बर, कस्टमर्स आपके ब्रांड नेम से ज्यादा, आपके ब्रांड के लोगो से ज्यादा, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स एक्सेट्रा से भी ज्यादा ये याद रखता है कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया, अच्छा फील करवाया उनके खुद के बारे में। देन यू ऑलवेज विन 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 एज ए ब्रांड इन लॉन्ग टर्म, अदरवाइज यू आर प्लेइंग ए शॉर्ट टर्म गेम। सुनो, अब आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, मतलब मैंने तो पर्सनली आपको अच्छा फील करवाया। अब मेरा एक लास्ट मैसेज और सुन के जाओ। इस चैनल पर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड कंटेंट बनाता हूँ। हमारे सभी ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू कहूंगा, और नॉन सब्सक्राइबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चैनल विजिट करो, स्क्रीन पर दिख रहे मेरे फोटो के आइकन को क्लिक करके कुछ एक वीडियोस देखो, और कंटेंट अगर आपको आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने लायक लगे तो सब्सक्राइब करो।